Maddy Study Center. Students, today's our subject History and Civics, Standard 7, Lesson Number 1. Students, आज हम History Civics, Standard 7 का Lesson Number 1 पढ़ने जा रहे हैं. इस लेसन के बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे कि क्या है इस लेसन में, और इस लेसन के अंदर नॉर्मली मैं आपको जस्ट एक हिंट दे सकता हूँ. इस लेसन में आपको जो है ओल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है. जैसे ओल्ड लास्ट ईयर आपने कुछ अलग पढ़ा है, इस साल कुछ और अलग होगा. जैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो अलग अलग तरीके के सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज होते हैं. जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में दिए गए हैं आपको मटेरियल सोर्स, राइटिंग सोर्स, ओरल सोर्स, यानी इनके बारे में हम थोड़े बहुत इन डिटेल में भी हम डिस्कस करके पढ़ेंगे. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आप सभी को ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और भी कई सारे नए वीडियोज जो है वो उसके आपको अपडेशन मिलते रहेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन के साथ. सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वी कैन से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इंट्रोडक्शन, हम थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्या है. इंट्रोडक्शन में वी स्टडीड एंशियंट हिस्ट्री लास्ट ईयर, दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Boldly, the period from the 19th century, 9th century CE, till the end of the 18th century CE, is considered to be medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. History gives us a chronological and scientific and systematic account of past events. जिस तरह हमने लास्ट ईयर जो सिक्स स्टैंडर्ड में हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें हमारे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन यानी मैन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, उसके साथ ही में हमारे एंशियंट्स क्या कर रहे थे, किस तरह से वो डेवलप हुए, उसके बारे में हमने पढ़ा था. बट दिस ईयर जो है हम जो पढ़ रहे हैं, ये है मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया, और ये बोली यानी पीरियड ऑफ 9th सेंचुरी से हम बोल सकते हैं, 9th सेंचुरी सीई से लेके 18th सेंचुरी सीई तक कंसिडर किया गया है मेडिवल पीरियड को. और इस लेसन में हम जो सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड यानी उस जमाने में क्या क्या हमारे यहाँ पे यूज़ किया गया है, मटेरियल से लेके डॉक्यूमेंट्स यानी अलग अलग सोर्स, वो हम आज पढ़ेंगे. और हिस्ट्री में हमको देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है, साथ में यानी कोई प्रूफ, साथ ही साथ में साइंटिफिक मेथड भी हमें हेल्प लेना पड़ता है कि क्या इसमें कोई और तरीके के तत्व मिलाए गए हैं, या फिर सिस्टमेटिक. देखिए सिस्टमेटिक नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होता है. और इस सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, पास्ट इवेंट्स को हमारे कनेक्ट करती है, यानी हिस्ट्री इवेंट्स को कनेक्ट करती है. सो हम देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज. मटेरियल सोर्स, राइट, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता करना है, तो आपको सोर्स पता होना चाहिए किसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में डिटेली ज़्यादा पता चलता है. तो यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स और ओरल सोर्स, ये क्या है, हम इसे आगे धीरे धीरे इसमें हम डिस्कस ज़रूर करेंगे. और ये क्लासीफाई किया गया है कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो ये तीन चीज़ों के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. जिस तरह हमें रिटन मटेरियल सोर्स में क्या है, रिटन सोर्स में किस तरह की चीज़ें को इन्वॉल्व किया गया है, ओरल सोर्स में किस तरह की चीज़ें को इन्वॉल्व किया गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. मटेरियल सोर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, जिसे फिजिकल सोर्स बोला गया है. मटेरियल सोर्स यानी फिजिकल सोर्स, जिसे हम टच कर सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है. जैसे मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फूड्स, ये सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, यानी ये एक बोल सकते हैं लाइव एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पे. जैसे हमारा घर है, उसी तरह से ये सारी चीज़ों को है, हम एक ही करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे ये क्या है. सो अब सबसे पहले देखेंगे मेमोरियल्स. मेमोरियल्स क्या है, मेमोरियल्स यानी जैसे हमारे इंडिया में कई सारे हिस्टोरिकल
मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल है, जिस तरह से कुतुब मीनार, लाल किला हो, या ताजमहल हो, या अमर जवान चौक हो, या शहीद मीनार हो, या गेट ऑफ इंडिया हो, या इंडिया गेट हो, ऐसे कई अनगिनत हमारे पास मेमोरियल्स अवेलेबल है। मेमोरियल्स यानी कि जो जिनकी यादों में बनाया जाता है, या फिर ये जो उस ज़माने में क्रिएट किया यानी बनाया गया था, उसे मेमोरियल्स कहा गया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स तो आप आजकल भी देखते हैं, ये बिल्डिंग्स आजकल जो टॉल टावर्स हैं, ये ही उस ज़माने में भी क्रिएट किए गए हैं। कई सारे आप देखोगे, कहीं केव्स में भी जाएंगे या बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगे। इवन हम बोल सकते हैं सबसे एक लाइव एक यानी हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो भी एक तरह का बिल्डिंग ही है। और कई सारे टेम्पल्स भी है जो बिल्डिंग की तरह क्रिएट किए गए हैं, जिनमें कहीं कहीं स्टोरेज यानी हाइट में क्रिएट किए गए। जैसे आप अगर भुवनेश्वर जाते हैं, वहाँ पे भी आपको कई सारे मंदिर आपको मिलेंगे जिनकी जो हाइट है करीबन 5-5 स्टोरेज यानी बिल्डिंग, 5-5 हिमालयों के बिल्डिंग यानी इतनी बड़ी हाइट है। सो नेक्स्ट है हमारा केव स्कल्पचर। केव स्कल्पचर में हमारा जैसे स्टोन आर्ट होता है, केव्स के अंदर जो डेकोरेशन या टेम्पल जैसे क्रिएट किया गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध का वो स्ट्रक्चर है। साइड में काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, वो भी स्टोन्स को कट करके बनाया गया है डिज़ाइन को, इसको केव स्कल्पचर कहा जाता है। उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शंस में क्या है हम वो भी देखेंगे, जिस तरह स्टोन्स के ऊपर लिखावट होती है, ओल्ड ज़माने में किस तरह की भाषा यूज़ की जाती थी इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर कुछ सिंबॉलिक और किस तरह के लैंग्वेज है, ये उस ज़माने में यूज़ किया जाता था, इसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जिस तरह आज हम अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश मराठी हिंदी इस तरह होती है, उस ज़माने में ये अलग अलग तरीके के लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, यानी या इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आता है कॉइन्स। आपके कॉइन्स में और ओल्ड कॉइन्स में काफ़ी डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉइन का पिक्चर डाला है, ये इस पे यानी अरबिक भाषा में लिखा गया है, यानी ये मुगल्स के ज़माने का है, तो काफ़ी पुराना है, करीबन विकिन से 400 to 500 years ago, यानी ये भी हिस्ट्री पार्ट ही है। और उसके बाद में आता है कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स जिस तरह की प्लेट्स में हम आजकल खाना खाते हैं, ये नॉर्मल स्टील और अलग अलग प्लास्टिक या फिर हम कह सकते हैं क्ले के बने होते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो लोग थे वो कॉपर प्लेट्स में खाना और पानी पिया करते थे, क्योंकि कॉपर इज़ ए गुड फॉर हेल्थ कहा जाता है। तो कॉपर प्लेट्स में खाना और उनका पीना जो होता था, वो कॉपर प्लेट्स को मोस्टली प्रेफर करते थे यूज़ करने के लिए। और कई सारे रिकॉर्डिकल वर्क के लिए भी कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, यानी कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ उसे लिखकर कॉपर प्लेट पे रखा जाता था। इवन ये मोस्टली ब्राह्मण्स कर रहे थे उस ज़माने में। हम आगे के पॉइंट देखेंगे, ये है फोर्ट्स। इंडिया में अनगिनत फोर्ट्स अवेलेबल है, इवन हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र में ही हमारे पास कई सारे फोर्ट्स हैं, इवन शिवाजी महाराज के पास में ही 1000 फोर्ट्स थे। तो कुछ फेमस फोर्ट्स के नाम चाहे तो हम ले सकते हैं, ये राजस्थान का फोर्ट है, उस तरह हमारे पास में महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग में है, शिवनेरी फोर्ट है, उसके बाद में रायगढ़ में भी फोर्ट है, इस तरह के से कई सारे अनगिनत फोर्ट्स जो है, कोंडाना किला है। हम जिस तरह आपने फोर्ट शायद में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि शिवाजी महाराज ने कितने सारे नए फोर्ट बिल्ड किए, कितने सारे रिपेयर किए। तो फोर्ट्स तो हमारे पास अनगिनत है, इन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके। तो इसे कहा जाता है मटेरियल सोर्स, यानी इस सोर्स के थ्रू हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस ज़माने में किस तरह के लोग कहाँ पे रहते थे, किस तरह का खाना रहता था, किस तरह के सामान इस्तेमाल करते थे, किस तरह के पैसे इस्तेमाल करते थे, कितने ऊंचाई में रहते थे, और किस तरह की लिखावट होती थी उनकी, सारे चीज़ों के बारे में हमें मटेरियल सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वह है रिटन सोर्स। वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेस लाइक रिटन स्टाइलिक स्क्रिप्ट लाइक देवनागरी अरेबिक पर्शियन मोडिक एक्सेट्रा, ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज बुर्जा पात्रास एंड रिलीजियंस मोनोसुब्सक्रिप्ट एंड
त्रितासी एडिक्टिस और वी कैन से डिग्रेसेस बायोग्राफिक्स पेंटिंग्स एक्सेट्रा। देखिए हमें मेडिवल पीरियड में काफ़ी सारे अलग अलग तरह की चीज़ें रिटर्न सोर्स में हमें हमें हमारे पास में प्रूफ है उनके, हम बोल सकते हैं स्क्रिप्ट लाइक बोल सकते हैं, जैसे देवनागरी लिपि में यानी मराठी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, उसमें कई सारे रिटर्न सोर्स वॉल पे उनके डॉक्यूमेंट्स वो हमें यहाँ पे मिले हुए हैं, तो उसके प्रूफ से हम बोल सकते हैं कि ये मेडिवल पीरियड से लिंक है। इवन अरेबिक भाषा में भी, पर्शियन भाषा में और मॉडिक भाषा में भी इसे लिखा गया है, और ये कई तरह के वैरायटी लैंग्वेजेस में यानी हम बोल सकते हैं कि बार्ली पेंटिंग भी बोल सकते हैं, वॉल के ऊपर भी लिखा गया है, और रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स में यानी जिस तरह हमारा हिंदू में भगवद गीता होता है, कुरान शरीफ में यानी मुसलमानों को कुरान शरीफ में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, इवन बाइबल में भी लिखा हुआ है, ये सारी जो लिखावट ही है ये रिलीजियन मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है जिसे, और इसी तरह के बायोग्राफिक्स और पेंटिंग्स में भी कई सारे चीज़ों को डिक्लेयर किया गया है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये मेडिवल पीरियड से लिंक्ड है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स आर्टिस्ट एंड वेरिएशंस रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल फेस्टिवल एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, हम उनके फूड आइटम से भी पता कर सकते कि किस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे पहले, और उनकी कन्वेंशन रूल्स के थ्रू कंडक्ट करके हमें पता चलता था कि वो किस तरह के रूल्स को वहाँ पे उस ज़माने में फॉलो किया जाता था। इवन उनके फेस्टिवल्स को पकड़ कर यानी उनके फेस्टिवल को देखकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइम से रिलेटेड है, और उनके लाइफ सोर्स यानी वो किस तरीके से जीते हैं उस चीज़ के ऊपर भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से यानी कौन से जिसे मेडिवल पीरियड से ये लिंक है या नहीं। सोर्सेस of the type of these types are called written source. ये सारे जो sources है जिसे हमें पता चलता है ये written source है, इसे written source कहा जाता है। जैसे देखिए वीरगाली written source document of producing in the court of King Golina Ginolong। देखिए Ginolong करके king है जिनके court में भी produce किया गया था वीरगाला बन गया। ये एक आदिवासी हम बोल सकते हैं या पहाड़ों में रहने वालों की language है, और इमेज आपको चाहिए तो आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ये वीरगाला करके है, आपको वहाँ पे दिखाई देगा ये। सो हम थोड़े से डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये रिटर्न सोर्स, टाइप्स ऑफ रिटर्न सोर्स क्या है। यहाँ पे भी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द कोर्ट ऑफ किंग। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स किंग के कोर्ट में यानी राजा को पेश किया जाता था उस डॉक्यूमेंट का भी महत्व से रिटर्न सोर्स कहा जाता था। जेनोलॉजिकल्स यानी सावकाली यानी डॉक्यूमेंट जो रिटर्न हम बोल सकते हैं कि लिखावट लिखा जो का हिसाब किताब हम कह सकते हैं। करस्पॉन्डेंस डिस्पैच यानी कहाँ पे कितना सप्लाई किया गया है डिस्पैच उसके बारे में जानकारी। जुडिशियल वर्डिक और ऑर्डर्स यानी गवर्नमेंट के थ्रू यानी उस ज़माने में राजा ने क्या क्या ऑर्डर पास किए थे, किस चीज़ को ऑर्डर पास किए थे या उस ज़माने में किस ऑफिशियल ने क्या पास किया था उसका रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं रिटर्न सोर्स में। ट्रीटीज़ एंड बायोग्राफीज यानी ट्रीटीज़ यानी उनके बारे में चित्र उनके बारे में लिखा गया हो या उनके बारे में उन्होंने खुद लिखा है उस चीज़ को बोला बताया गया है। ट्रैवल ग्लोस ऑफ फॉरेस्ट ट्राइवल्स यानी कोई विदेशी या फिर कोई दूसरे देश से आकर उन्होंने इनके बारे में रिसर्च करके उनके बारे में कुछ लिखा हो। और चोरिक्लियस एंड टावरिक ये भी इसी तरीके से हम बोल सकते हैं बायोग्राफी और कोई उनके ही घर के लोगों ने उनके बारे में डिटेल में लिखा हो ये कहा जाता है इसे। हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फोक सॉन्ग्स गीत श्लोकस अभंग्स पोहाड़ा प्रोवर्ब्स लेजेंड्स महत्व क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ने शायद से फोर्थ स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है शिवाजी के टाइम से कि फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं, गीत क्या होते हैं, श्लोक्स क्या होते हैं, अभंग क्या होते हैं, पोहाड़ास और प्रोवर्ब्स लेजेंड्स और ये मैथ ये सारी चीज़ें जो हम आज के ज़माने में भी इस्तेमाल करते हैं। फोक सॉन्ग्स यानी जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स यानी जो ओल्ड सॉन्ग्स है उनके पर हम बोलते हैं। गीत जो उस ज़माने में बनाए गए गीत जैसे
संत एकनाथ ने ध्यानेश्वर नहीं गाया है, अभंग भी ध्यानेश्वर महाराज ने कई सारे अभंग लिखे हुए हैं। इसी तरह से ये सारी चीज़ों को दिया गया, जिसे हम देखते हैं वी अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फोक लाइफ थ्रू द फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास बाय जनरेशन बाय जनरेशन। देखिए ये फोक जो है हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उनके थ्रू हमारे जनरेशन और जनरेशन बाय जनरेशन ये पास होते जा रहा है। सम एग्जाम्पल्स आर ओवास, फोक सॉन्ग्स, पोहाड़ा, पोहाड़ा यानी शिवाजी महाराज का पोहाड़ा तो आपको सभी को पता होगा, फोक टेल्स यानी पुराने ज़माने की कथाएँ, लेजेंड्स यानी उस ज़माने में कौन सी कहानियों को कौन कौन हीरोज हम बोल सकते हैं, नृत्य यानी उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ सोर्स आर कॉल्ड ओरल सोर्स। इस सारी चीज़ों को ओरल सोर्स यानी ये बोली गई चीज़ों को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सोर्स मेंशन अबव। ये तीनों चीज़ के ऊपर हिस्ट्री लिखा जाता है। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन रिसर्च ऑन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। देखिए ये सब हमें लिखा गया है ज़रूर है, लेकिन इसके थ्रू भी हम इस पर रिसर्च करते हैं कि ये सही है या गलत है, कंटिन्यूसली रिसर्च चलता रहता है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू द लाइट थ्रू दिस रिसर्च। इसके थ्रू, ये रिसर्च के थ्रू हमें बहुत सारे नई जानकारी और बहुत सारे नई इंफॉर्मेशन पे हमें रोशनी डालने मिलती है और इससे हमें पता चलता है रिसर्च करने में। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। इसके थ्रू हमें री राइट यानी कुछ अगर मिस्टेक्स हुआ है उस ज़माने में, हमने बोला कि ये हुआ था खाली पहले हमने जो लिखा था, लेकिन फिर बाद में हमने और रिसर्च किया तो उसमें थोड़ा और चेंज किया, तो हम उसे चेंज कर पाते हैं। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए जिस तरह के हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने हिस्ट्री पढ़ा है, उनके थ्रू लगभग हर बार बहुत बार डेवलप होते गए हैं और आज हम जिस तरह की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस ज़माने में इतनी डिटेल हिस्ट्री नहीं होती थी, उन्हें जस्ट ओरली बताया जाता था, लेकिन आज हमारे पास रिटन सोर्स में भी है, मटेरियल सोर्स में भी हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंस, इसी कारण आज हम इसी चीज़ों को एक्सटेंस यानी बहुत अच्छे से हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वैलिडेटिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए हमें हिस्ट्री के सोर्सेज को जांच करते समय कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव टू एग्जामिन द अथॉरिटीज एंड सी विच आर जेन्यून एंड विच आर फेक। ठीक है, हमें ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, कई बार चीटिंग भी होती है, तो अथॉरिटीज़ को काफ़ी बार इसे जेन्यूनली बहुत अच्छे से डिटेली सर्च करना पड़ता है कि ये सच का तो नहीं है या तो कोई ये झूठ तो नहीं है, फेक तो नहीं है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। देखिए हम क्वालिटी इसके परख सकते हैं कि क्या ये सच में वो ज़माने का है या इस ज़माने में बनाया गया है, इसे आजकल बहुत सारी मशीनरीज है जिसे हमें पता चल सकता है। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर। हमें इंटरग्रिटी यानी उस ज़माने के राइटर ने इसके बारे में कुछ प्रीफर किया है, वो डॉक्यूमेंट्स को भी रेफ़र करना पड़ता है। द पर्सनल इंटरेस्ट यानी वो क्या पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू कर रहे थे या फिर ऐसे नॉर्मली उन्होंने बताया। द पीरियड इन विच दे लिव आर पॉलिटिकल प्रेशर्स और देम। देखिए ये भी देखना पड़ता है कि उस ज़माने में राजा ने कहीं कोई पॉलिटिकल बेस के लिए इसे बनाया नहीं किया, नॉर्मली इसे ऐसे ही बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे आर रियली हर्ष और गिव देम आई विटनेस ऑन अकाउंट। ठीक है, ये तो खाली ऐसे हम देख कर ही डायरेक्टली इसे बोल नहीं सकते कि हिस्ट्री है, तो इसके लिए हमें कोई आई विटनेस भी होना ज़रूरी है, यानी इनको जिनके बारे में इसकी पूरी नॉलेज है या इनको पता है। देर आर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटरमेटरी सोर्स। देखिए हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटरमेटरी सोर्स के थ्रू हमें पता करना पड़ता है, वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वेरियस वे में जाकर। इट हैज़ बीन बी सीन एन ए प्रॉपर परस्पेक्टिव। देखिए हमें एक प्रॉपर परस्पेक्टिव चाहिए कि ये सही है या नहीं ये पता चलने के लिए। द सोर्स हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस। देखो कुछ भी चीज़ हो क्रिटिकल यानी एकदम सीरियसली अगर उसे एनालाइज नहीं किया गया तो वो सही है या गलत ही हमें पता नहीं चलेगा। द अथॉरिटी द ऑथर इम्पार्टली एंड देन न्यूट्रली आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट रिटन हिस्ट्री। देखिए
इम्पार्टली यानी वो पार्शलिटी नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रली यानी वो ज़्यादा भी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। और ये वेरी यही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री रिटर्न करने, यानी हिस्ट्री लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट